जल्लै गे आं इत्थूं ते असें उन्हें उत्थै पैर अफरीकेशन कंडे खून बगना से ते ना असें कोई हून तरीका नहीं सी क्या करां मैं ना अगें जो किसान ना पिछें जगह अगें भी मौत सी पिछें भी मौत सी ठीक है अस हूँ बेबस हो गए सर बिल्कुल साहब कोई चारा नहीं सी अस उत्थै अपने मुल्के भुखे मरी जाना भुखे बाहरले मुल्के नहीं जाना चाहना कोई भी गल बयान किसी भी किस्म नहीं जाना चाहना जो लीगल तरीके हैं लेकिन इस तरीके कत नहीं जाना चाहना कोई भी है ना बड़ा या बच्चा या जवान है कोई भी है इतना भुखे मरीज हो जो मर्जी हो जाए त्रियाए मरीज हो लेकिन उधर भ्रा माड़ा नसीहत है उसमें वास्ते कद नहीं जा इन लीगल तरीके जाना मौत की दावत देना ने बराबर है ठीक है लीगल तरीके जायज़ करना लेकिन इन लीगल तरीके कद ना अस उत दो त्रै त्रै धारे अस भुखे भी रहे हैं बिल्कुल भुखे चेन्नई सन वह भी खत्म हो गए सन बिल्कुल भुखे रहे हैं उत कोई बंदा नहीं रोटी देना कोई एहसास नहीं करना जल्द असं बार्डर पार की ना अस उत मोए बंदे भी धक्के मुड़दा लाशों पे उत कपड़ पे मोए बंदे तो कोई कुछ नहीं उत्थ करना कोई बंदे ना चारा नहीं चलना तो उत जो नाल होने वह भी छोड़ी ओड़ने अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करना कि तुम सारे बंदे बाल सो तो मैं तुम्हारा दोस्त नबील अल्ताफ तो तुसा तकी रहो अपना यूट्यूब चैनल ते फेसबुक पेज नबील एंटरटेनमेंट ते दोस्तों आज जब तू मैं अपना जरा यूट्यूब पर चैनल शुरू किया तब तू कि आज तक तुसा की डिफरेंट किस्म ने इलाके फेरे अपने इलाके ने रस्म रवाज दसे शादियाँ ब्याह उस ने तकरीबात जो कुछ भी अपने इलाके की खूबसूरती हर चीज़ दसी है लेकिन आज नहीं जड़ी माड़ी वीडियो है वो माड़िया पिछलियाँ तमाम वीडियो तो डिफरेंट होने वाली है और डिफरेंट किस तरह वो भी तुसें की दसना जूं जूं जड़ा पाकिस्तान ने अंदर बेरोज़गारी बढ़नी पी है बेरोज़गारी तो तंग आवाम अलग अलग इलाके ने रुख करनी है बगैर इस चीज़ की परवाह किते हैं कि इसने अंजाम क्या उसी इसै सिलसिले ने एक कड़ी है जी मैं आज तुसों की दसा वो स्टोरी कुछ इस तरह है कि जिस तरह हर आम शहरी आया वो कश्मीर ना या पाकिस्तान ना या दुनिया ने किसी भी कोने ना रहने वाला उसकी गल पता कि इंसान जिल्लै एक बार्डर टप्पी तो दूआ बार्डर पर जाना मुल्क नहीं सरहद तो बाहर तो इंसानी समगलिंग ही जश्ना और ये जड़ा सिलसिला है असने कश्मीर बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी तो तंग आवाम हर रोज़ ने हिसाब न सैकड़ों ने तादाद लोग जो बार्डर पार करने इसै बार्डर पार ने स्टोरी डंकी लाई तो इटली ने ख्वाब तकने वाले या तकाने वाले उन्ने बंदे जड़े लोगों ने घर की तबाह करने अस रोज़ स्टोरियाँ सुनने कि फलां बंदा फलां बार्डर पकड़न होया डाकुआ आया या तो उसकी मारी उड़ाया या उसकी फौजियों ने गोली लगी कि या हूँ तावान मंगने के बंदा वापस अच्छे तो बिल्कुल इसै सिलसिले की कड़ी ची आज मैं तुम्हारी मुलाकात करवा सा एक इंतई कम सन बच्चे के नाल जिसकी जड़े खुरेटे ने अंदर रहने वाले लोग हो तो जानने ही हो सो कि खुरेटा यादगार चौक ही अपनी मेहनत मजदूरी करना लेकिन ये भी यूरोप ने चक्रां च जड़ा वो डंकी लाई तो रस्ते पगड़ान होया बड़ा जलील होया ख्वार होने तो बाद वापस आई अल्लाह पाक इसकी जिंदगी दी वापस अपने मुल्क ही आई और ये असने नए जाने वाले नौजवान बच्चे या डालर कमाने वाले आस्ते एक नसीहत है और एक बहुत बड़ी स्टोरी है वो मैं तुकी दसना तो कोशिश करो कि अपने मुल्क ने अंदर रही छोटी मोटी नौकरी करो छोटी मोटी मुलाजमत करो दिहाड़ लाओ मेहनत मजदूरी करो लेकिन जड़े ये तरीके गैर कानूनी तरीके नाल यूरोप जने ने जड़े ख्वाब नो छोड़ो तो चलो तुम्हें मुलाकात करवाने कम से कम बच्चे ने नाल तो उस को पूछने कि जड़ा खुरेटे तू कि नहीं तो उसने तुर्की तक ना सफर से वो कह जाए सी जी तो दोस्तों ऐ ओ निका बच्चा तो इस नाल सुनी कराने मुलाकात दोस्ता क्या हाल है ठीक ठाक शुक्र अल्लाह क्या नाम तू सुना मारा नाम जी अरमान मुगल सब तू पहला ये दसो कि तुसनी उम्र कितनी है मारी उम्र है जी 16 साल 16 साल तुसनी उम्र है एक गल दसो भाई दोस्ता पढ़े कितनी हो मैं पढ़या जी 8वीं ते क्या वजह अगे तालीम की नहीं दी वैसे जी बस मेहनत मजदूरी करने हो ते दिहाड़ी च कितने एक पैसे बनाई ने हो शुक्र अल्लाह जी जा 2000 दिहार लाई गई ठीक हो गया अच्छा एक गल दसो के जड़ा तुसा ना इटली जाने ना ख्वाब है जी वो शुरू किस तरह होया कि एक बंदा जड़ा खुरेटा बैठे है उसकी तो नहीं पता कि इटली कुछ है जी। किस तरह ख्वाब आया कि इटली जाना एक बंदा सी जाने वाला जी वो हमें आखना जो इटली माड़े बच्चे पूछी गए ना
ते तुसा भी जो तो चलो इंशाल्लाह पुछ जासो। असने ठीक है अज मेरा कजन तैयार होए ना अस भी तैयार हो मैं सन लाला सी कजन सन मामू सन चाचू सन सारे तैयार हो। कितने बंदे ना ग्रुप सी? 10। जिस टाइम इटली जाने ना सोचा उस तू पहले इटली ने ना सुनया से निक्का दिन से ये पहली मरतबा सी और पहली मरतबा ये सुने कि इटली जाना। हाँ। इटली ने बारे क्या दसिया गया सी कि इटली कह जा? इटली दा बहुत सोहना मुल्क है जी दा। ठीक है तुसा ले जो ता सोखे पहुंच जा सो। ठीक है 10 बंदे ने इथू ग्रुप बनी आ। 10 बंदे ने सेटलमेंट एजेंट नाल हुई है जी? एजेंट कितने पैसे डिमांड किते पर बंदे ने? वो एजेंट सी जरा उस है जी एक बंदे ने जरा नो 2-2 लाख एडवांस देना सी पैसा? नहीं तुर्की पूछी था। तो पैसे ना अरेंजमेंट किस तरह किया है गरीब घराने चू? पैसे बस चलो रहे पर रहे थोड़े मंगी तंगी था जरा ना थोड़ा बता आप थोड़े कुछ कमाई था गेवे सो फिर गुजार करी कि ना वो जरा दे जाए। ठीक है इतू सफर शुरू हुई है सन खुरेटे तू? खुरेटे तू गए पिंडी तक पिंडी तू गए कोयटा गए। अच्छा कोयटा गए तो कोयटा पहुंचे उतू गया सी डावो बैठे हो। अच्छा उस तू गया गए थे पंजूर पंजूर तक गए उतना होर इलाका सी पाकिस्तान जो आउट हो गए। ठीक है किस तरह ना इलाका सी? वो रेतला इलाका था गर्मी ना। अच्छा गर्मी सी उतै पहुंचे जी तो उन्होंने डालियां बालिया डालियां बालिया डाले तू मुराद ए पिकअप नहीं जड़ी होनी। ठीक है ए सुन डालियां से गए हैं। ठीक है उतू डालिया जाने से राह विच उन्होंने बंदे खलते उसने तो आने जी 2-2 हज़ार रुपया दियो जरा ना इन्हें की 2-2 हज़ार देना पी नहीं तो नहीं जान देने क्या। ठीक है मुजाहिदन भाई। ठीक है ठीक है 2-2 हज़ार दिता फिर बंदे उन्हें 2-2 हज़ार दिता अगे गए थे जिले जिले इतू घरों गए सो जेब कितने पैसे खड़े सन? अस 20-20 हज़ार रुपया देना फिर बंदे खड़े एजेंट है क्या ऐसी कड़ियाँ कड़ियाँ चीज़ें नाल खड़नियाँ चने खड़ने ते नाल एक बोत पानी रखी नहीं राज चुला बिशन आप पहुँच गई जिस टाइम तू सुन कि ये गल बाईस ने कि चने खड़ने तो तुझे अंदाजा नहीं होया कि रस्ते जैसे रोटी नहीं लबली आज ये तो अंदाजा उस बिच बिच लबा कर सी लेकिन थोड़ा चने भी खाने पिछने अस चलो ठीक है ठीक हो गया किनी गेट यहाँ सदा मुजाहिदों को तू पास हो गया पास हो गया अगर गेट यहाँ उतना एक और जेंट्स उसने कार रहे हैं। ठीक है कार दो रहे हैं उस इलाके ने बारे पता सी वो कड़ा इलाका पंजगूर पंजगूर। हाँ। क्या लगना सी को पठान लोगन सिंधी लोगन पंजाबी लोगन कश्मीरी लोगन वो फारसी सुनो नहीं और जुबान सुनो। ठीक है उन्होंने कोई और जुबान खजूरी बा खजूरा ना बा उस तक फिर समझ किस तरह चलनी सी कि वो क्या बाना पया उन बंदे ना किस तरह गल होनी सी वो दो कोर जेंट्स उसकी बांस तो वासी बांस वे फलानी गल बाना है फलानी गल। अच्छा उसकी पूछी ना वो असी बांस फिर अस उठू दो दिन बाद गए हम। ठीक है डाले छटे डाले फिर गए अगे अगू फिर अस पैदल तोड़िया। ठीक हो गया। अच्छा ठीक है जी अस उठू पैदल टुर रहे हैं पैदल टुरना जिस टाइम पैदल टुरना शुरू किया अंदाजा ऐसी हुने केड़ा मुल्क है अस कोई अंदाजा नहीं सी ते उन्होंने बंदे कंटीन्यूअसली तुसने नाल सन जी वो तबू बंदे सुन और। ठीक है 50-70 साहब बंदा सी जिस टाइम तुसों तू पैदल चलना शुरू किया वो रन बॉर्डर पार तकरीबन 1000 बंदा सुन नाल होया मता सी काफी मता सी वो जेड़े मते बंदे सन ओ कड़े-कड़े इलाके ने पाकिस्तान ने पाकिस्तान कराची ने पेशावर ने वो बोला दिला दे मुल्कों ने। ठीक हो गया उठो काफला निकलिया। ठीक है काफला उठो निकलिया सो पैदल चलना शुरू होया टुरने रहे पूरी रात टुरने रहे एक बिहार और टुरने रहे दो ही रात जाए असन बॉर्डर पार कीती है मतलब तुसा 48 घंटे चलने रहे हो 48 नहीं चले 72 घंटे 28-30 घंटे चले। ठीक है रातियां लेट उठो निकलिया टुरे ना लेट निकलिया उठो टुरे अगे फिर डालियां से भलिया ने। ठीक हो गया डालियां बेरा गेट अगे अगूथा सफर किया फिर अगर कारें भालिया ने। ठीक है कारें असं सत्या ने 2-2, 3-3 बंदे डिग्गी अगे 8-8, 10-10 बंदे भाले ने। एक जड़ी कार ने डिग्गी है उसी त्रै बंदे किस तरह भालने सन भूखियां भालने सन तो मुड़ी उसके ऊपर लाग करी होड़ा जाने रबरा कटियां उसे थोड़ा पता साफ बंदा कि नजर रहे से बाकी बंद डिग्गी सांस ना दुश्वारी ने सी होनी नहीं नहीं ठीक सी कारां केड़ियां सन कारों और किस्म दी वो इधर नहीं चलनी। ठीक है उठू गेट है सा अग्गे अग्गे गेट है जी दया अग्गे सा फिर ते रोन च अग्गे तुर्की बॉर्डर ने रात स्टे कीती है बॉर्डर ने रात। ठीक है जनाब स्टे कीती है उठा कोई हफ्ताए गए हां बड़ी थकदारी है उत्थू फिर अस तुर्की बॉर्डर पार कराई जाए बॉर्डर पार करने से अगर अस फौजी। ठीक है फौजी सारे मोगल शोल लेने अस नसी गए अगर कोई रहे बूंद नक्के ढली 3 घंटे उत्थे रहे उत्थू घोड़ियां ले आए जंटे। अच्छा फौजी तुसने मगर लगे सन सिर्फ या उन्हें फायरिंग की थी? फायरिंग भी की थी है नाल फायरिंग ही को बंदे असने जाया हो नहीं वो भाई फायर करने। ठीक है अपर करने मतलब के डायरेक्ट शूट न सुन करने नहीं डायरेक्ट शूट नहीं सिर्फ शूट करने ना
ਪੇਪਰ ਕਰਨੇ ਸਨ ਅਸਾਂ ਨਸੀ ਗਏ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਸੀ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਬੂੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਡੰਟਾ ਫੂੰਕ ਤਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸੁਣ ਜੀ ਖੜਸਨ ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਖੜਿਆ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉੱਧਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸਨ ਕੋਲ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀਆਂ ਪੋੜਿਆਂ ਨਾ ਸਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਕਿ ਨੀਂਦ ਦੇ ਜੀ ਅਸਾਂ ਉੱਥੋਂ ਗਏ ਹਾਂ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਗਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਖੜਿਆ ਰੱਖਿਆ ਨੇ ਦੋ ਕੋਈ ਹਫ਼ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਅਸਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਡੈਵੋ ਗਏ ਹਾਂ ਡੈਵੋ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਗਿਆ ਨੱਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਛੇ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਸਨ ਉੱਥੇ ਅੱਪਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਫੌਜੀ ਆਈ ਗਏ ਫੌਜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੜਿਆ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਪਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਫੋਨ ਸ਼ੂਨ ਖੋਲ੍ਹ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਸਲੂ ਕਾਮ ਇਨਸਾਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਖੜਿਆ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲੀ ਪੋੜਿਆ ਫੋਨ ਸ਼ੂਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਂਪੇ ਗਿਣੀ ਗਏ ਕੈਂਪੇ ਦੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਸੁਬਾਹ ਦਿਹਾੜੀ ਸ਼ਾਮੇ ਦੇ ਰਹੇ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਖੜਿਆ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਗਏ ਹਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਾ ਖਿਆ ਨਾ ਬਾਈ ਕਿਆ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰਨਾ ਸਨ ਕਿਆ ਪੁੱਛਣਾ ਸਨ ਉਧਰ ਗਏ ਸੋ ਕੀਆਂ ਗਏ ਸੋ ਕਿਆ ਵਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਹਿਆ ਅਸਾਂ ਬਿਆ ਅਸਾਂ ਇਟਲੀ ਜੁਲੇ ਸਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਾਈ ਆ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੂਟ ਸਾਰੀ ਹੈ ਬੂਟ ਲਵਾਈ ਸਾਰੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਅਦਲ ਗਏ ਅਸਾਂ ਠੀਕ ਉੱਥੋਂ ਗਏ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੀ ਰਾਤ ਸੀ ਪਤਾ ਹੀ ਕੌਣ ਸੀ ਰਾਤ ਸੀ ਪਤਾ ਮੂੜੀ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਤੁਰਕੀ ਗਏ ਠੀਕ ਅਸਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਤੀ ਪੂਰੀ ਟੁਰਨੇ ਰਹੇ ਆ ਤੁਰਕੀ ਗਏ ਠੇ ਆ ਤੁਰਕੀ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਅਸਾਂ ਬਹਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਆਈ ਗਏ ਭੁੱਖੇ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਬਾਰਡਰ ਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਹ ਪਤਾ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੀ ਆਏ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਡੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਮਾਰ ਚੁੜਿਆ ਫੌਜੀ ਆਏ ਉਹਨੇ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਸ ਉਹਨੇ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਬਹਾ ਹੈਗਾ ਲੋਈਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸਾਂ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਲਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਭੁੱਖੇ ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਦਿਓ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਫਿਰ ਬਾਰਡਰ ਅਸਾਂ ਬਜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਈ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬਾਰਡਰ ਛੋੜਿਆ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਲਾ ਪਾ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਚੋਰਾਂ ਪੋਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਾਂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰਾਂ ਪਕੜੀ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਚੋਰ ਚੋਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਬਾਣੇ ਸਨ ਜੰਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਦੇ ਆ ਅਸਾਂ ਬੱਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚੋਰ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪੋੜੀ ਖੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਹੁਲੀਏ ਕਹਿ ਜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੀ ਸਨ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨੇ ਸਨ ਬੰਦਿਆਂ ਪਰ ਬੰਦੇ ਪੋੜਨੇ ਪੋੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਖੜਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮਝੋ 50 ਬੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਚੋਰ ਠੀਕ ਹੈ 20 ਬੰਦੇ ਪੋਰਸਨ ਦਾ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਕੱਟ ਸਨ 50 ਪੋਰਸਨ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਕੱਟ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਖੜਿਆ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਾਈ ਕਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀ ਕਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ 20000 ਰੁਪਇਆ ਖੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਣੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਬਚਨੇ ਹੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਨ ਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਨ ਚੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੋ ਠੀਕ ਹੋਈ ਆ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਹਰਿਆ ਥੋਆ ਪਤਾ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਸੇ ਇਥੋਂ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸਨ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਦੋ ਦੋ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਮੰਗਣੇ ਸਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਰੰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੋਣੀ ਤਾਂ ਇੱਥਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਇਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭੇਜੇ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇਥੋਂ ਭੇਜੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਸਨ ਹੋਣੇ ਪੈਸੇ ਨਸਨ ਜਾਣੇ ਇਥੋਂ ਵੀ ਅਸਾਂ ਭੇਜੇ ਸਨ ਸੋਧਿਆ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਣੇ ਲਾ ਸੀ ਸੋਧਿਆ ਰੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਰੀਬ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਹਾਣੇ ਸਨ ਉਹ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਚੋਰ ਚੰਗੇ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਜੀ ਹੋਣੇ ਸਨ ਕਈ ਅੱਡੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ ਉਹ ਮਾਰੀ ਹੋਣੇ ਸਨ ਬੰਦੇ ਮਾਰੀ ਹੋਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੇ ਸਨ ਜਾ ਅਸਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਅਸਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੀ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਣੇ ਕੋਈ ਸਨ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਅਸਾਂ ਕੀ ਮਾਰਿਆ ਛੜਿਆ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਤੇਰਾ ਰੋਣ ਛੋੜਿਆ ਤੇ ਰੋਣ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਕਰੂੰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਨੇ ਉਸਕੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਅਸਾਂ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਮੋੜੀ ਪਚਾਇਆ ਤੇ ਕਿਆ ਸਮਝਣੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਘਰ ਲਿਆ ਪਰ ਕਿਆ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋ ਸੀ ਘਰ ਆਣੇ ਪਰ ਬਹੁ ਘਰੀ ਗੁਜ਼ਰੀਆ ਕਿ ਰੋਈ ਰੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢਿਆ ਪਿਆਰੇ ਅੱਛਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਲੱਪੜਨ ਗਈ ਉੱਥੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਪਰ ਕਿਆ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁ ਪਿਛਾ ਰੋਏ ਸੋ ਉਹ ਤਰਫੀ ਤਰਫੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਏ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਾਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਨਾ ਰੇਹੜੀ ਵੀ ਲਾਈ ਸਕਣਾ ਉਹ ਰੇਹੜੀ ਲੈ ਲੇਕਿਨ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ 1000 ਰੱਖਣਾ 500 ਰੱਖਣਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਛੇ ਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਸਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਬੱਚਾ ਆ ਬੜਾ ਆ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਹੈ ਅਮੀਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ
जी तो दोस्तों ये जड़ी माड़ी आज नी वीडियो है ये माड़े तमाम तकने सुनने वाले आस्तै नसीहत है और बिलखसूस उन्हें लोगों आस्तै कि जेडे यूरोप जाना चाहे लेकिन इलीगल तरीके नाल जाने और उन्हें पेरेंट्स आस्तै कि जेडे अपने बच्चों पर जुल्म करने ये सीधी सीधी मौत है। तुसा जिस बार्डर पर भी पकड़ान जासो तुसा कि सीधा फायर किया जा सी वो फिर भी मैं समझना कि उन्हें लोगों ने बड़ा पन है कि बार्डर पर उसने बंदे पकड़ान होने और फिर भी उसकी फायर नहीं मारने तो खुदारा अपने बच्चे जड़े उन्हें कि मौत ने मुँह च ना धकेलो। तो आज की जी माड़ी वीडियो है तमाम माड़े उन्हें दोस्तों जे इन फ्यूचर भी जाना चाहे उन्होंने नसीहत है कि कतई तौर पर गलत तरीके नाल बैरूने मुल्क सफ़र ना करो। तो इंशाल्लाह इस तरह मजीद वीडियोज़ मैं अपने अशने वाले सैशन ऐड कर सा और मजीद इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी मैं अशने वाली वीडियोज़ बसा। तो आज की वीडियो इतने तक होनी है ख़त्म। तो मीद हो इजाजत अपना रखो ख्याल अल्लाह ने के बा।